हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में सेकंड स्टैंडर्ड की ईवीएस सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट की थी, है ना। तो हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन में क्या क्या देखा है, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किस तरह से फिलअप करने हैं और उनका आंसर कैसे हमें फाइंड आउट करना है ये देखा था, है ना। उसी के साथ साथ टिक द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस क्लास में देखे, मतलब उन क्वेश्चंस को में से कौन सा आंसर करेक्ट है उसे किस तरह से हमें टिक करना है ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि मैच द फॉलोविंग्स, मतलब पेयर्स को, टू पेयर्स को किस तरह से हमें मैच करना है और उसका आंसर किस तरह से ढूंढना है ये हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैच द फॉलोविंग्स, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आ सकते हैं, है ना। और जैसे कि सर्कल द ऑड वन आउट, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं, यही क्वेश्चंस आएगा क्या एग्ज़ाम में? नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अभी आपको अपना नोटबुक ओपन करके रखना है, साथ में ही पेन और पेंसिल भी रखनी है। ओके, चलो देखते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, तो इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या होता है, टू कॉलम्स दिए जाते हैं, जैसे कॉलम ए और कॉलम बी, इस तरह के टू कॉलम्स दिए जाते हैं और बीच में क्या करना होता है, आपको आंसर लिखना होता है। और जो आंसर होता है उसे आप जो है ऐसे लाइन करके भी दिखा सकते हो, या फिर यहाँ पे आप उसका ऑप्शन भी लिख सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, लूडो, देन थर्ड में क्या है, पिकनिक है। और इस साइड में सेकंड कॉलम मतलब बी जो है, इसमें भी कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि ए इंडोर गेम, बी फन, सी कार्टून मूवी। तो आपको, आप जब ये नाम क्या करोगे, स्टडी करोगे, मतलब पढ़ोगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि टेलीविज़न, लूडो, पिकनिक ये क्या है, कुछ गेम्स है। जैसे कि लूडो क्या है, एक गेम है। टेलीविज़न जो है हम घर में अंदर बैठकर देखते हैं, है ना। लेकिन पिकनिक जो है हम आउटडोर है, मतलब घर के बाहर जाके हम पिकनिक करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है इंडोर गेम, इंडोर गेम मतलब क्या, घर के जो अंदर गेम खेला जाता है उसे इंडोर गेम कहते हैं। ओके, देन फन, फन मतलब क्या होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देन थर्ड क्या है, कार्टून मूवी। इस तरह के ये ऑप्शंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फर्स्ट ऑप्शन रीड करना है, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न ये जब हम ऑप्शन रीड करते हैं, तो टेलीविज़न मतलब क्या होता है, टीवी, है ना। तो इस ऑप्शन को रीड करने के बाद ये ऑप्शन, इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन से क्या होता है, मैच होता है, ये हमें पहले देखना है। जैसे इंडोर गेम, जो टीवी है ये इंडोर गेम है क्या, गेम है क्या ये, नहीं है ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन क्या है, फन, फन जो है वो टीवी में देखते समय थोड़ा बहुत आता है, लेकिन यहाँ पे फन आएगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा दिया है, कार्टून मूवीज़। जो कार्टून मूवीज़ है वो हम किसके ऊपर देखते हैं, टीवी के ऊपर। तो ये ऑप्शन क्या है, इससे रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है फिर, ये कार्टून मूवी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इस पेयर का जो है, नेक्स्ट पेयर कौन सी होगी, मैच होगी ये कार्टून मूवी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट करना है और इसके सामने आपको ये आंसर लिखना है, क्या आएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन आएगा। देन नेक्स्ट क्या है, लूडो। तो लूडो क्या है, एक गेम है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना, इस ऑप्शन में आपको देखना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे भी क्या दिया है, गेम लिखा है, और कौन सा गेम है, इंडोर गेम। तो जब आप लूडो खेलते हो तो ये कौन सा गेम है, इंडोर गेम है, है ना। ये आप घर के बाहर जाके भी खेल सकते हो, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे आउटडोर गेम दिया है क्या, नहीं, इंडोर गेम दिया है। तो लूडो ये इंडोर गेम भी है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ए, मतलब जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं इन्हीं ऑप्शन में से क्या करनी है, आपको पेयरिंग करनी है। ओके, तो लूडो की पेयर किससे आएगी, इंडोर गेम से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ओके, देन पिकनिक जो है, ये पिकनिक हम क्या करते हैं, पिकनिक में हमें बहुत ज़्यादा फन आता है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, हम अलग अलग गेम्स भी खेलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये बी। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, मैच द
पेयर या फिर मैच द कॉलम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक साइड के जो ऑप्शन है वो हमें रीड करने हैं, और उन ऑप्शन में से जैसे अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन रीड किया, और उस ऑप्शन वो ऑप्शन किन जो सेकंड कॉलम है इनमें से कौन से ऑप्शन से मैच होता है ये हमें देखना है। ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप, ऑड मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं उनमें से एक ही जो है वर्ड क्या होता है, ऑड मतलब ऑड होता है मतलब अलग होता है, उस वर्ड को क्या करना है हमें सर्कल करना है। तो वो किस तरह से करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन में है सीड, देन सीडलिंग, नेस्टलिंग एंड देन प्लांट। तो इनमें से कोई तो एक वर्ड ऐसा है जो इस ग्रुप में नहीं बैठता। ओके, अगर हम देखें सीड देखें, ओके, तो ये सीड एक वर्ड है, देन सीडलिंग, सीड्स के बाद जब सीड जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो ग्रो होता है, और क्या होता है फिर सीडलिंग आते हैं, है ना, और उससे क्या होता है फिर बड़ा होकर प्लांट होता है, या फिर नेस्टलिंग, इस तरह का ये वर्ड इस चेन में आएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड क्या है, ऑड है। क्यों, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है सीड, सीडलिंग, प्लांट, ये वर्ड किससे है, किससे जुड़े हुए हैं, प्लांट से जुड़े हैं, है ना। तो प्लांट जो है पहले सीड होता है, फिर सीडलिंग, और फिर प्लांट ग्रो होता है। लेकिन नेस्टलिंग ये वर्ड जो है इनमें बैठेगा क्या, इस ग्रुप में नहीं है, कैसा है, अलग है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, बेबी, चाइल्ड, देन अडल्ट एंड देन अंकल। ओके, ये वर्ड है, तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम देखें बेबी, बेबी के बाद क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है बेबी, तो क्या होता है, वो चाइल्ड बन जाता है, और बड़ा होने के बाद क्या होता है, अडल्ट, है ना। एंड देन अंकल यहाँ पे लिखा है, तो ये अंकल ये वर्ड कैसा है, इस चेन में बैठता है क्या, नहीं। आपने ये स्टडी किया होगा अपने टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे अंकल जो वर्ड है ये कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, ऑड होगा, इसलिए यहाँ पे अंकल को क्या करना पड़ेगा, हमें सर्कल करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड, हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। ओके, तो ये जो है ये क्या है, ऑर्गन्स है। ओके, तो ये ऑर्गन्स के बारे में आपने अपने लेसन्स में स्टडी की है ना। तो जैसे कि आप अगर देखो हैंड कौन सा ऑर्गन है, ये ऑर्गन इंटरनल है क्या, एक्सटर्नल है ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है ये हैंड, एक्सटर्नल ऑर्गन है ना। हैंड हमें, जैसे मेरे हैंड है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। ओके, देन हार्ट, हार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो वो कौन सा है ऑर्गन, वो है इंटरनल ऑर्गन। देन ब्रेन, ब्रेन भी क्या है, आपको दिखाई देता है क्या, नहीं, वो क्या है, इंटरनल ऑर्गन। देन लंग्स क्या है, इंटरनल ऑर्गन। तो इनमें से कौन सा एक ऑर्गन जो है वो इंटरनल नहीं है, तो आपने देखा है 1, 2, 3 ये तीनों ऑर्गन्स जो है ये क्या है, इंटरनल है। तो और हैंड क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन होने की वजह से इस ग्रुप में बैठेगा क्या, इंटरनल ऑर्गन में नहीं, इस वजह से क्या होगा, ये डिफरेंट हुआ, ये अलग हुआ, तो इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, और ये क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो इस वजह से ये इस लाइन में बैठेगा क्या, इस ग्रुप में नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें अलग करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैंड, स्टमक, एल्बो एंड हेड। तो अभी हम देखते हैं हैंड क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। ओके, देन स्टमक क्या है, स्टमक जो है वो भी एक इंटरनल ऑर्गन है ना। देन एल्बो, एल्बो जो होती है ये, है ना, एल्बो जो है वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। ओके, देन कौन सा है, हेड, जो कि हेड आपको दिखाई देता है ना, ये भी क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि हैंड जो है वो क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, स्टमक क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, और एल्बो क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, और जो हेड है वो भी एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन के जो मेंबर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए वर्ड्स जो है वो ज़्यादा है। तो ये स्टमक इंटरनल ऑर्गन है, तो ये इसमें आएगा क्या, नहीं, ये क्या है, अलग है इनमें, इन सब से, तो इसलिए ये क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, है ना, ये ऑड हुआ, है ना, ये सेम हुआ क्या, नहीं, ये क्या है, ऑड है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ऑड वन इन ईच ग्रुप
मतलब ऑड वन आउट, मतलब जो ऑड होता है उसे आउट करना है हर एक ग्रुप से, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्ड का एक दूसरे से क्या रिलेशन है ये हमें पहले ढूंढना होगा। और उसमें से एक वर्ड ऐसा होता है जो जिसका उस वर्ड से क्या होता नहीं, रिलेशन नहीं होता है, मतलब वो सेम नहीं होता है, तो ऑड होता है, उस वर्ड को क्या करना है हमें सर्कल करना है और बाहर निकालना है। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और ऑड वन आउट इस टाइप के क्वेश्चन हमें किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।